राकेश ऑफिस से लौटा और गलती से अपनी साली समिता को पीछे से पकड़ लिया। अरे भाई, मैं आपकी साली समिता हूँ। गीता, क्यों मजाक उड़ा रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरी पत्नी ही हो। अरे नहीं जीजा जी, मैं सच बोल रही हूँ। तभी राकेश के पिता ने बगल के कमरे से सब कुछ देखा। समिता फिर राकेश को पीछे मुड़कर देखती है। राकेश ने देखा कि यह वास्तव में समिता थी। ये देख राकेश समिता से माफी मांगता है और कहता है, गीता के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों, मैं अपनी बहन के कपड़े नहीं पहन सकती। मैं किताबों को सजा रही थी और कमरे की सफाई कर रही थी, पर बिना बताए आप कैसे मुझे पीछे से पकड़ सकते हैं? अब सॉरी, मैंने गीता के कपड़े देखे और सोचा कि ये गीता है। आप दोनों बहनों में कोई खास अंतर नहीं है, तो क्या आप मुझे गले लगाएंगे? मैं वास्तव में समझ नहीं पाया, मुझे सच में बहुत अफसोस है। पति और साली में फर्क नहीं पता? तो इतना कहकर समिता वहां से चली गई। दोपहर में राकेश के पिता ने गीता को छत पर बुलाया। बहू, अरे बहू, यहाँ आओ। क्या हुआ पिताजी? तुम्हारी बहन आई हुई है ना, उसे अभी घर से निकालो। निकाल दो मतलब? क्यों पिताजी? तुम्हें इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो मैं जो कहता हूँ वो करो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं जो कहूँ वही करो। जी पिताजी। उसके बाद गीता अपनी बहन से उसके कमरे में इस बारे में पूछती है। समिता कहती है, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, झूठ क्यों बोलू? तब गीता ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जीजा जी यहाँ आइए जरा। तब राकेश ने कहा, क्या हुआ? पिताजी ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, उसने ऐसा वैसा कुछ किया होगा, नहीं तो पिताजी उसे यहाँ से जाने को नहीं कहते। तब राकेश ने कहा, पिताजी को बुलाओ। पिताजी, इधर आइए जरा। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, आपने समिता को घर से चले जाने को क्यों कहा? हाँ, मेरा मतलब, क्या आपने कुछ देखा पिताजी? क्या आप कुछ देखकर ऐसा कह रहे हैं? देखा है मतलब? मैं समझ गया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात यह है कि समिता ने गीता की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके कारण मैंने समिता को गीता समझ लिया था और पीछे से गले लगा लिया था, और आपने यही देखा, जिसके लिए आप समिता को गलत समझ रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं समिता को अपनी छोटी बहन के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। तब राकेश के पिता ने कहा, बेटा, लोग जो आँखों से देखते हैं वो वास्तव में सच नहीं होता, और मुझसे भी गलती हुई। बहू, मुझे गलत मत समझना, और समिता बेटी, मुझे माफ कर देना। तब समिता ने कहा, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तभी राकेश के पिता ने समिता से कहा, मुझसे गलती हो गई है, जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकती हो। ठीक है पिताजी। इतना कहकर राकेश के पिता वहाँ से उठ गए। हमसे कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए बिना सही से जांच किए किसी को दोष देना ठीक नहीं है।